हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक भंडारी है। मैं ICFM में टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस लेता हूं। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसका नाम है फॉल्स ब्रेकआउट। तो फॉल्स ब्रेकआउट का समझने का मतलब ये है कि इसमें ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कई लोग ट्रैप हो जाते हैं, जो टेक्निकल ट्रेडर हैं वो भी इस पर ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है, जैसे कभी सपोर्ट आपने एक ड्रॉ लाइन करी, सपोर्ट एक लाइन ड्रॉ करी और उसको ब्रीच हुआ, तो टेक्निकल एनालिसिस में उसको माना जाता है कि ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि रोल रिवर्सल हो गया। वाइस वर्सा, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो उसके लिए क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। पर होता क्या है, जनरली जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो जब वो रेजिस्टेंस टूटता है तो लोग वहाँ पे बाय करते हैं, क्यों, पर इमीडिएटली क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके ड्रॉप हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द फॉल्स ब्रेकआउट। तो वहाँ पे बहुत ट्रैपिंग होती है। यानी कि दूसरा केस, अगर सपोर्ट टूटता है तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और कायदे से शॉर्ट ही करना चाहिए क्योंकि अब वो वीक हो गया है शेयर। पर होता क्या है कि वो थोड़ा सा नीचे जाता है, दोबारा रिवर्स मार देता है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो फॉल्स ब्रेकआउट को समझने के लिए हमें दो चीजें बहुत जरूरी आनी चाहिए। एक तो हमें बेसिकली कैंडल्स की पैटर्न, बेसिक पैटर्न्स हमें समझ आने चाहिए कैंडल्स के, और दूसरा प्राइस एक्शन समझ आना चाहिए कि जब वो सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस टूट रहा है तो वहां प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। तो अगर इन दोनों का हमें समझ आएगा तो ही हम फॉल्स ब्रेकआउट को पकड़ पाएंगे और हम क्या करेंगे, एक अच्छा ट्रेड बना पाएंगे उसमें। तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि हम उस फॉल्स ब्रेकआउट को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अब आपको अपने चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था उसको एक बार मैं अपने नोटपैड पे आपको समझाऊंगा कि कैसे हम फॉल्स ब्रेकआउट पे समझेंगे। तो चलिए मैं एक नोटपैड पे कुछ फिगर बनाता हूँ। सपोज मेरी ये प्राइस की मूवमेंट जा रही है इस तरीके से, अप देन डाउन देन अप। सपोज मैंने इस तरह का एक फिगर बनाया आपके सामने, ठीक है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी एक रेजिस्टेंस लाइन होगी सी, और ये एक मेरी क्या होगी, सपोर्ट लाइन होगी, ठीक है। तो होता क्या है मोस्टली, अब मैं समझाऊंगा कि होता क्या है कि बेसिकली ट्रेडर यहाँ ट्रैप होता है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि जब ये लाइन टूटती है तो ये इसके लिए अब क्या काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ तक ये लाइन क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो पर जनरली जब नॉर्मल केसेस में, जब रियल वर्ल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो होता क्या है कि वो इतनी ऊपर ना जाके वो यहीं से ट्रैप, आदमी यहाँ पे बाय करता है और इमीडिएटली नीचे आ जाता है। और सिमिलरली इस केस में क्या होता है कि वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आ जाता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे लोगों को ट्रैप हो जाते हैं इसमें, इस जगहों पे वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जगहें क्या कहलाती हैं, फॉल्स ब्रेकआउट। तो इस फॉल्स ब्रेकआउट में बेसिकली हमें क्या समझना होता है, इन जगहों पे हमें क्या समझना होता है, व्हाट इज द प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। तो जब ये प्राइस एक्शन हम समझेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन टूटी है सपोर्ट की, ये वाली, ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि जेन्युइन ब्रेकआउट है। वैसे वाइस वर्सा, जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन टूटा है और हमें वहां पे प्राइस एक्शन अगर क्लियर समझ आता है तभी हम समझ पाएंगे कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट लगा है कि फॉल्स ब्रेकआउट लगा है। तो एक बार मैंने आपको अपने नोटपैड पे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करा है कि फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। तो अब हम चलेंगे अपने डायरेक्ट चार्ट पे, जहां पे मैं आपको कई चार्ट्स के ऊपर उसके फॉल्स ब्रेकआउट दिखाऊंगा। चलिए मैं अब आपको अपने चार्ट पे लिए चलता हूं, जहां पे मैं आपको समझाऊं कि फॉल्स ब्रेकआउट हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो चलिए एक चार्ट खोलता हूं मैं, ये मेरा इन्वेस्टिंग है, तो इसमें मैं निफ्टी 50 एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा लेते हैं, ये मैंने इस तरीके से निफ्टी 50 का चार्ट लगाया। मैं एक बार 15 मिनट का चार्ट लगा के देखता हूँ, ये मेरे पास 15 मिनट का एक चार्ट लगा हुआ है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस तरीके से सपोर्ट लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे तो सपोर्ट लाइन का एक प्रॉपर रूल होता है, बट जनरली एक छोटा सा, जब फॉल्स ब्रेकआउट मैं आपको समझा रहा हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम वो लाइनें वहाँ पे जोड़ते हैं जहाँ पे हमें मेजर स्विंग्स मिलते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक मेजर स्विंग मिल रहा है बाजार के अंदर, ऐसे ही एक मेजर स्विंग मुझे इधर मिल रहा है, तो मैं यहाँ एक लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ और उससे मैं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो अगर लोज जोड़ रहा हूँ तो मेरा ये सपोर्ट बन जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। ये मैंने इसके लोज लिए और ये लोज जोड़े मैंने इस तरीके से, तो ये लोज दो जुड़ गए, तो ये मेरे सपोर्ट का काम करेंगी।
तो अब मैं एक बार इधर चलता हूँ, थोड़ा सा इधर लेके चलता हूँ, तो ये दो स्विंग्स लगे, तो मैंने ये दोनों लाइनें जोड़ी और अब प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ले रखा है। मैं यहाँ पे इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। फाइनली ये लाइन यहाँ ब्रीच हो गई, दिख रहा है हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये लाइन यहाँ ब्रीच हो गई। और बीइंग अ टेक्निकल ट्रेडर और जिसको बहुत डिटेल नॉलेज है फॉल्स ब्रेकआउट के समझ में समझ नहीं आता होगा, तो डेफिनेटली वो यहाँ ट्रैप हो जाएगा कि ये लाइन टूटी और उसने वो शॉर्ट कर दिया। पर हम आगे चल के देखेंगे कि सी हियर सेम जो मैं आपको अपने नोटपैड में समझा रहा था, तो सेम फिगर ये यहाँ पे हो गई, ये ऊपर निकल गया। तो एक्चुअल में हमारी हम ट्रैप क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस एक्शन समझ ही नहीं आया। तो जब तक हमें यहाँ पे ये प्राइस एक्शन समझ नहीं आएगा तब तक हम एक अच्छा ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उस प्राइस एक्शन को समझने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि हम एक चीज़ देखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट लगा तो ये रेड कैंडल आया, उसके बाद इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल आ गया। तो डियर कभी भी जब भी कोई मोमेंटम में या कोई शेयर ब्रीच करेगा सपोर्ट तो दोबारा ग्रीन कैंडल नहीं आना चाहिए था। ये यही साइन है मेरा फॉल्स ब्रेकआउट का कि ये हो सकता है बायर्स दोबारा मार्केट में लौट रहे हैं। तो ये प्राइस एक्शन चल रहा है यहाँ पे। पहली बात कि अगर रेड कैंडल आया उसका लो नहीं टूटा, या नेक्स्ट जो कैंडल आया अगले 15 मिनट का जो कैंडल आया, सपोज जैसे मेरा ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना, तो इसमें जो ये कैंडल आया रेड आया, ये ब्रीच हो गया लाइन, उसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ एकदम ग्रीन कैंडल आ गया, तो ये चांसेस पूरे पूरे इस टाइम पे क्या है कि ये लाइन ब्रीच नहीं होगी, ये वापस ऊपर चला जाएगा। उसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि रॉकेट में ना रिवर्स गियर नहीं लगता है, तो ये रिवर्स गियर लग रहा है, तो ये रियल, तो इट मीन्स ये जो लाइन है ना ये ब्रीच ही नहीं हुई है, ये वापस ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन, दूसरा यहाँ पे बायर्स भी हैं, तभी देख रहे हैं हमें बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। अगर आपको नॉलेज होगी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तो देखेंगे यहाँ पे एक डोजी बन रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एक डोजी फॉर्मेशन हो रही है। तो कभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट पे डोजी की फॉर्मेशन हो रही है या सम कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हो रही हैं, तो वो क्या है, वो सपोर्ट टूटा नहीं है, वो हो सकता है शेयर वापस हो जाए। तो ऐसे हम एक और एग्जांपल लेंगे, अनदर हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आए, देखते हैं हम एक और चार्ट खोल लेते हैं, कोई और शेयर खोल लेते हैं हम यहाँ से, चलो एक और चार्ट खोल लेते हैं SBI। और ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन में समझाया था, मैं अब आपको समझाऊंगा और भी देर आर डिफरेंट मेथड्स। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादातर ट्रेडर मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ कई बार, और मुझे भी बहुत पसंद है, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। और मैं ज़्यादातर मूविंग एवरेज क्या यूज़ करता हूँ, 50 टू फाइंड आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मेरे को ये बहुत पसंद है, 50 का मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि अगर, छोटी सी बात है, अगर ये मेरी लाइन दिख रही है मुझे 50 पीरियड का, ये मूविंग एवरेज है 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये मेरे लिए इस टाइम पे क्या काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। और जब ये लाइन यहाँ ब्रीच हो गई तो ये मेरे लिए क्या काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ऐसे पीछे से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी है यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ देखेंगे कि ये सपोर्ट का, ये इस टाइम पे मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे जब ये सपोर्ट का काम कर रही थी तो ये इमीडिएटली क्या हो गया, प्राइस क्या हुआ, इस सपोर्ट को टूटा, देन एकदम से दोबारा ग्रीन कैंडल आ गया, तो इट मींस ये डाउन नहीं जाएगा, हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट आए। तो ये बिल्कुल फॉल्स ब्रेकआउट आया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया था, दोबारा ग्रीन कैंडल आया, दिस इज अनदर बुलिश फॉर्मेशन, वी कैन सी इट, ट्विजर बॉटम भी लगा है और एक बेरिश बुलिश इंगल्फिंग भी दिख रहा है, तो कभी भी मुझे वहां पे बुलिश फॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये एक और देखेंगे यहाँ पे, ये लाइन ब्रीच हुई दो, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम लूज कर गया, ये भी हम इसमें ये भी पता लगाते हैं कि जैसे एक या दो कैंडल बने और उसके बाद ये मोमेंटम लूज करने लगा है, तो डेफिनेटली सेल का मोमेंटम लूज करा, तो ये हो सकता है वापस ऊपर जाए। एक और एग्जांपल देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट के, हियर एक या दो, उसके बाद ये मोमेंटम लूज कर दिया, तो इसका हमें बड़ा ध्यान रखना है कि मोमेंटम क्या चल रहा है। अब मैं आपको एक और तरफ ले चलता हूँ, ये मैंने आपको सपोर्ट के बताए थे, ऐसे हम रेजिस्टेंस में भी देखेंगे, एक और चार्ट खोल लेते हैं, रिलायंस
एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का खोल लेता हूँ, अब की बार मैं इसको खोल लेता हूँ। ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है, 50 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। देखेंगे हम यहाँ पे, देखेंगे ये फॉल्स ब्रेकआउट है। इमीडिएटली क्या आया है मेरा, एक रेड कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, तो ये फिर फॉल्स ब्रेकआउट। हियर फॉल्स ब्रेकआउट, यहां पे देखेंगे फिर ये देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट है क्लियर। ये सेल, ये रेड ग्रीन कैंडल आया ब्रेकआउट के लिए, देन रेड, उसके बाद यहां पे क्या बनाया उन्होंने, एक डोजी फॉर्मेशन बनाई है क्लियर। तो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर डोजी फॉर्मेशन आ रही है तो ये रेजिस्टेंस ही है, ये अभी टूटा नहीं है, शेयर वापस नीचे जाएगा। तो लॉजिकली दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है ट्रेंड लाइन पे अगर आप काम कर रहे हैं, और यू आर वर्किंग ऑन द योर मूविंग एवरेजेस और उसके ब्रेकआउट पे प्ले करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सी एक लॉजिक ध्यान रखिएगा कि जब वो रेजिस्टेंस टूटेगा और रेजिस्टेंस टूट के अगर प्राइस ऊपर जा रहा है बट वो एक बेयरिश फॉर्मेशन बना रहा है, यानी कि बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना रहा है, या वो रेड कैंडल आ गया, तो डेफिनेटली ये लाइन अभी भी रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट कर रही है और ये शेयर मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे ही जाएगा। सिमिलर केस इन केस ऑफ जब आपका सपोर्ट टूटेगा, तो जब सपोर्ट टूटेगा तो वहां पे बुलिश फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। अगर वो बुलिश फॉर्मेशन आ रही है तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट क्या है, मेरा फॉल्स ब्रेकआउट है। तो एक बार हम यहां पर दोबारा देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर आया, देन एक ग्रीन कैंडल आया, तो ये बेयरिश बुलिश इंगल्फिंग बन गया, और कहां बना, जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे। तो ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में टूटी नहीं है, ये वापस ऊपर जाएगा। तो ये जो ब्रेकआउट लगा है, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो आशा करता हूं कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट में समझ आएगा और इससे आपके स्टॉप लॉसेस भी बचेंगे। बस दो चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो में, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो वहां पे कोई भी बेयरिश फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, फिर वाइस वर्सा अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे कोई बुलिश फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। तो फॉर्मेशन का मतलब मेरा ये है कि कोई डबल या ट्रिपल या सिंगल कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, उसके जो रिवर्स कॉन्ट्रारी होती हो, या वहां पे रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रॉकेट में कभी भी रिवर्स गियर नहीं रखता। अगर कोई लाइन टूटी है तो फिर उसको ऊपर ही जाना चाहिए, या अगर कोई लाइन नीचे के लिए टूटी है, शेयर नीचे के लिए टूटा है, तो उसको नीचे ही जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि शायद आपको इस बारे में कुछ मैं जानकारी दे पाया। थैंक्स।